तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करके उसका ये सभी लेसन फ्री में कैसे यूज करें। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में देखने वाले हैं और ये एकदम जेन्युइन ट्रिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइपिंग मास्टर के ऑफिशियल वेबसाइट से टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करना है। जो डाउनलोड नहीं करना जानते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर के सर्च बार में आपको टाइप करना है typingmaster.com, इंटर प्रेस करना है। पहले नंबर पर ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी, इस पे क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। टाइपिंग मास्टर का ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ से टाइपिंग मास्टर डाउनलोड करने पर एक हफ्ते के लिए पूरा लेसन फ्री में मिलेगा, बट उसके बाद तीसरे लेसन के बाद सभी लेसन लॉक हो जाएंगे। तो उन्हें फिर से कैसे अनलॉक करना है, बने रहो वीडियो में, सब कुछ पता चलेगा। यहाँ आपको फ्री डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करके टाइपिंग मास्टर डाउनलोड कर लेना है। जो लोग खरीदना चाहते हैं वाई नाउ पर क्लिक करके इसे खरीद सकते हैं, बट अभी हम फ्री डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं ये टाइपिंग मास्टर सभी विंडो में इजिली चल जाएगा। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है, तो आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड होने के बाद इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ शो ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ शो इन फोल्डर देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। तो डायरेक्ट आप डाउनलोड फोल्डर में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइपिंग मास्टर देखने को मिलेगा, इस पे अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है। यहाँ अपना भाषा सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट करना है। इसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद टाइपिंग मास्टर ओपन करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपना नाम टाइप करना है, इंटर करना है, या फिर आपको लॉन्च पर क्लिक करना है, यहाँ स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इसके सभी कोर्स आ जाएंगे एंड इन कोर्स को आप एक हफ्ते तक फ्री में यूज कर सकते हो। एक हफ्ते के बाद ये सभी लेसन लॉक हो जाएंगे। एक हफ्ते बीत जाने के बाद मैं यहां से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टाइपिंग मास्टर के सभी लॉक लेसन को अनलॉक कैसे करें। तो टाइपिंग मास्टर ओपन करने के बाद आप यहां देख सकते हो कि मेरा भी लेसन यहां पर लॉक हो चुका है। अब इसे कैसे अनलॉक करना है आइए देखते हैं। तो दो तरीके से टाइपिंग मास्टर के सभी लेसन को फ्री में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसे यहां से कट करना पड़ेगा। अब आपको दोबारा टाइपिंग मास्टर को ओपन करना है। ओपन करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको यहां गेट चैरिटी लाइसेंस की पर क्लिक करना होगा। बट इस पे क्लिक करते समय आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। आप इसमें इंटरनेट कनेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की वेबसाइट आएगी। अब यहाँ पर आपको कैप्चा कोड टाइप करना है, जो कि यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ अलग दिख रहा है, आपके सिस्टम में ये कैप्चा कोड कुछ अलग दिखेगा। तो आपको यही सेम चीज इस बॉक्स में टाइप कर देना है, उसके बाद गेट रजिस्ट्रेशन की पर क्लिक करना है। तो वेबसाइट कुछ ऐसा दिखने लगेगा। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नेम देखने को मिलेगा चैरिटी, और जस्ट उसके नीचे ही रजिस्ट्रेशन की देखने को मिलेगा। तो या तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इस नाम को याद करके रखना है। सेम रजिस्ट्रेशन की इस बॉक्स में देखने को मिलेगा, तो आप सेलेक्ट करके माउस का राइट बटन क्लिक करें। यहाँ कॉपी देखने को मिलेगा, कॉपी पर क्लिक करके इस पेज को कट या मिनिमाइज करके वापस आना है टाइपिंग मास्टर के पेज पर। अब इंटर रजिस्ट्रेशन की पर क्लिक करना है। यहाँ आपको इस तरह का बॉक्स देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नेम में आपको चैरिटी टाइप करना है, जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नेम दिखा रहा था, सेम वही नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करना है, माउस का राइट बटन क्लिक करना है, यहाँ पर आपको वही रजिस्ट्रेशन की पेस्ट कर देना है। इंटर पर क्लिक करना है, फिर इस तरह का पेज आएगा, ओके पर क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने कोर्स के लेसन में आ जाना है। यहाँ पर आप देखोगे कोर्स के सभी लेसन अनलॉक हो चुके हैं, सभी लेसन को फिर से यूज कर सकते हो। बट इस चीज से भी कुछ दिन के बाद आपके टाइपिंग मास्टर के सभी लेसन फिर से लॉक हो जाएंगे। लॉक होने के बाद फिर से आप यही स्टेप फॉलो कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने कंप्यूटर में किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर के सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है टच टाइपिंग स्टडी। आपके सामने ढेरों सारी वेबसाइट आ जाएंगी। ये वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पर देखने को मिलेगी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइपिंग मास्टर के सभी लेसन फ्री में देखने को मिल जाएंगे, बट इन कोर्स को करने के लिए आपको अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करके रखना होगा। अगर कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते समय डाटा बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आप इन दोनों वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, आपका डाटा जल्दी खत्म नहीं होगा।